हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। खबर डबरा से, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, बंदूक की नोक से उठाकर ले गए नाबालिग लड़की को आरोपी। गांव में ही दबंग लोगों ने किया वारदात को अंजाम। गांव के तालाब के पास वारदात को दिया अंजाम। FIR के लिए दर दर की ठोकर खाती हुई नाबालिग लड़की, परिजनों ने लगाया गिरजोरा थाना प्रभारी पर FIR न करने का आरोप। SDO के निर्देश पर डबरा थाने में हुई जीरो पर हुई FIR दर्ज। डबरा से गिरजोरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ग्राम कटोरा के कलगरी शाह से वो भी पत्नी और एक आदमी के साथ में जी साथ में कई बार हुआ। उसने फोटो कल जो लिया उसका बंदोबस्त कर दिया है। सर क्या कारण रहा, दो दिन तक नाबालिग से परिजन कर उसको लेकर भटकते रहे, गिलोरा थाने में FIR नहीं हुई, आप पर परिजन इकट्ठे हुए, समाज के लोग इकट्ठे हुए, तब जाके FIR हो गई? ऐसा बताया उधर ही जरूर चले गए, वहाँ से जाँच का विषय है, जाँच के मदद करेंगे। तो सर इसमें क्या जाँच की है, वो परिभाषा है कि किसी जी कोई नाबालिग आप मामला लेके जाती है तो उसमें पहले जाँच होगी बलात्कार के मामले में, ऐसा कुछ है? नहीं, अब तो बात सही क्या बात है, क्या सही बात है, दो दिन हो गए, आपको भी नहीं बता सकते थे, हमको भी नहीं बताया किसी ने। कौन था उनका नाम मालूम आपको? क्या नाम? अनिकेत जाट और अनिकेत जाट और सचिन गौर। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे गांव के। गांव के? कब की घटना हुई? परसों रात में 12:30 बजे। 12:30 बजे, उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में वो मेरे घर पे आए थे और कहने लगे मेरे साथ चल, मैंने कि नहीं जाऊँगी, उनके पास गन थी, कह रहे थे पापा मम्मी मैं गोली घाल दूंगा। फिर मैं डर के मैं चली गई, तो फिर कहने लगे उनकी मैं नहीं आ रही, जब से फिर मुझे जाना पड़ा। मैंने कि पापा मम्मी की जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। फिर मैं चली गई, फिर जाके तो पीछे ताल में हमारे पास ताल है हमारे।